क्या आपने कभी ऐसा भैंसा देखा है जो हर महीने 8 लाख रुपए की कमाई करता हो, जिसका वजन 15 क्विंटल हो और रोज 10 किलो दूध 10 किलो सेब खाता हो, साथ ही एसी वाले कमरे में बैठ हर रोज 4 घंटे टीवी देखता हो? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसे ही एक भैंसा से मिलवाने जा रहे हैं। इस ठाठ बाट से रहने वाले भैंसा का नाम है गोलू 2। गोलू इनके दादाजी का नाम था, वो भी इनके जैसे बलवान थे। ये इकलौते ऐसे भैंसे हैं जिनको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। पटना के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो में बतौर मुख्य अतिथि इनको बुलाया गया है। गोलू 2 का घर हरियाणा के पानीपत में है। गोलू की और क्या क्या खासियत है, खुद जान लीजिए इनके मालिक नरेंद्र सिंह से। खासियत ये है इसका, देखो ये महीने में 7-8 लाख रुपए महीना कमाता है। अच्छा। और 30,000 के करीब इसके बच्चे आ चुके हैं। अच्छा। ठीक है। और क्या बोलते हैं अपना, ये 10 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। 10 करोड़। 10 करोड़। अच्छा। हाँ, और खाने में ये डेली 10 किलो दूध लेता है और दाना, और 15 दिन में 10 किलो सेब खाता है। 10 किलो सेब खाता है। हाँ, 15 दिन में देते हैं इसको। अच्छा। हाँ, और जो भी इसकी फर्स्ट टाइमर जो बच्चा आ रहा है, कटिया रही है, 21 से 22 केजी के फर्स्ट टाइमर आ रही है। अच्छा। हाँ जी। और ये इसका सीमन जो है वो काफ़ी महंगा बिकता है। हाँ, सीमन वैसे हमारा हरियाणा के अंदर इसका 500 रुपये पर डोज है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ जो भाई साहब ओनर अपने, उन्होंने ये रखा है कि भैया जो हम यहाँ सरकार ने बुलाया है तो यहाँ के लिए इसकी सीमन 300 रुपये है। अगर कोई भाई लेना चाहेगा तो ये हमारा गोलू 1 था, ये उसका बेटा था P-483, ये उसका बेटा है गोलू 2, यानी कि गोलू 1 का पोता है ये गोलू 2। ये हमारी अपनी खुद की ब्रीड है। वह दिन भर ये 4 घंटे, तो दिन में 4 घंटे, रात को इसको रूम में लिट लाया जाता है। इसके एसी इसके रखा रहा है रूम में, एसी लगा है, टीवी लगा है, ये 4 घंटे डेली टीवी देखता है बैठ करके। हाँ, अगर को हमारे हम झूठ बोलते तो आप इसकी वीडियो गोलू 2 प्रवीण फौजी फार्म के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हो। अच्छा। उसकी पूरे बैक कायदा इसका बना हुआ सिस्टम। अच्छा, तो ये कौन सा सबसे ज्यादा शो देखता है टीवी पर? ये बस अपना चला देते हैं, शो तो क्या देखेगा, चलाता है, तस्वीर आती रहती है, अपना मस्त रहता है, इसी रूम में आराम से बैठा रहता है। अच्छा। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, दिन की शुरुआत? सुबह इसको ले जाते हैं, सवेरे 5 किलोमीटर इसकी वो करवाते हैं, मॉर्निंग होती है, फिर आता है, फिर इसको आराम करता है, उसके बाद फिर इसको दाना दुना खिलाते हैं, नहलाते हैं, फिर इसको आराम से बैठ जाता है ये, फिर इसको शाम को फिर ऐसे 5 किलोमीटर सुबह शाम 5 किलोमीटर घुमाते हैं। हाँ जी। और इसकी देखभाल के लिए कितने लोग लगे? इसकी देखभाल के लिए 5 बंदे हैं। 5 लोग। हाँ जी। इसकी मालिश होती है हमेशा? हाँ, इसकी मालिश हफ्ते में मतलब एक बार इसकी कटिंग होती है, डेली इसकी मालिश होती है। मालिश कितना तेल से? मालिश आप लगा लग मतलब डेली इसका जब लगाते हैं तो किलो एक केजी तेल तो लग जाता है। अब आप देखते हो शरीर के हिसाब से 1 केजी तेल तो लग जाता है। कितनी उम्र हो रही होगी इसकी? 6 साल उम्र है सर। 6 साल। अभी दिसंबर में ये मतलब 6 साल का हो जाएगा 30 दिसंबर को। किस तारीख को है इसका बर्थडे? इसको 30 दिसंबर का। 30 दिसंबर जी। यहाँ लाए हैं आप पलोसने में? हाँ, ये आज को जो सरकार है अपने डॉक्टर है ना, उन्होंने स्पेशल इसको बुलाया है भाई चीफ गेस्ट के तौर पे। अभी यहाँ हमारी सरकार को, हमारे बिहार सरकार को दिखाओ, ताकि कोई हमारे से सीमन लेकर के अपने घर भी ऐसा कोई भूल या कट्टी पैदा कर सके। 6 वर्षीय गोलू 2 के करीब 30,000 बच्चे हैं। 30 दिसंबर को इसका बर्थडे मनाया जाता है। इस एक्सपो में अगर कोई इसका सीमन खरीदना चाहता है तो मात्र 300 रुपये प्रति डोज दिया जाएगा। पटना से लोकल एटिंग के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।